फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी। बाजार में ये फ्रेंच फ्राइज बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप उतने ही पैसों में घर पर पूरे परिवार के लिए आसानी से इन्हें बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी फ्राइज। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं बाजार जैसे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर यू क्रिएशंस। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 3 कच्चे आलू। यहाँ पर मैंने लंबे आलू का यूज किया है, जिससे कि हमारे फ्राइज बाजार जैसे ही बने। आलू का छिलका निकाल लेंगे। सभी आलू को हमने छील लिया है। अब हम आलू को फिंगर शेप में कट करेंगे लंबा लंबा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। हमें कटे हुए आलू को साथ के साथ पानी में डुबोना है, जिससे कि ये काले ना पड़े और आलू का जितना भी स्टार्च है वो पानी में आ जाए। इससे हमारे फ्रेंच फ्राइज बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। हम आलू को 10 मिनट के लिए पानी में डुबो कर छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम आलू को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकाल देंगे। आलू अच्छे से वॉश हो गए हैं, अब हम इनको उबालेंगे। जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन में पानी को पहले ही गर्म कर लिया है। इसमें हम कटे हुए आलू को ऐड करेंगे और साथ में एक छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में आलू को उबलने देंगे। हमें आलू को ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ आलू को 70% तक ही कुक करना है। आलू अगर हमारा ज़्यादा पक जाएगा तो वो टूटने लगेगा, हमें थोड़ा सा कच्चा आलू ही रखना है। हम एक नाइफ की हेल्प से आलू को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाई फ्लेम पे आलू को 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया था। आलू हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है, नाइफ से ये थोड़ा सा केड़ा ही कट रहा है। बस हमें इतना ही इसको कुक करना है। अब हम पानी से आलू को निकाल लेंगे और आलू को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे। अगर आपके आलू थोड़े ज़्यादा ओवरकुक हो गए हैं तो आप साथ ही उसमें एक थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए, जिससे कि उसकी एक्स्ट्रा कुकिंग होनी रुक जाए। आलू अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप यहाँ चाहें तो मैदा या चावल का आटा भी यूज़ में ले सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो या चम्मच की हेल्प से भी इनको मिक्स कर सकते हैं या हाथों की हेल्प से भी इनको उछाल करके मिक्स कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आलू हमारे ना टूटे। आलू पे कॉर्नफ्लोर की कोटिंग अच्छे से हो गई है, अभी हम इनको डीप फ्राई करेंगे। जिसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें सभी आलू के फिंगर्स को फ्राई करेंगे। यहाँ हमें गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम ही रखनी है। आलू को दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप सभी लोगों के साथ स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन और वेज पास्ता की रेसिपी भी शेयर करी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ऊपर आई बटन में भी। वहाँ जा कर के भी आप उनकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका हल्का गोल्डन कलर भी चेंज हो गया है। बस हमें इनको इसी स्टेज पर निकाल लेना है। अभी हम इनको दोबारे से फ्राई करेंगे, जिससे ये और भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। बस अब हम पोटैटो फ्राइज को दोबारे से हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइम पे जो फ्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे हमें इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, इससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए, इनका कलर भी चेंज हो गया है, ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राइज बनके तैयार हुए हैं। बस हम इसी स्टेज पे इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल देंगे और फ्राइज को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। हमारे क्रिस्पी बाजार जैसे फ्रेंच फ्राइज बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए केचप के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये फ्राइज की रेसिपी कैसी लगी है और नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, यह भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।